आज़ुबल बसम स्टूडेंट्स असल नई काजी योर इंग्लिश टीचर टुडे आर टॉपिकी वी करिकलम सी वी आपके पेपर का एक हिस्सा है आपके कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर जो है पार्ट वन का कोर्स जो फेडरल बोर्ड का है उसमें और आपके पास दो ऑप्शन होते हैं उनमें से एक आपने करना होता है यानी सी वी और या डायलॉग ये दो चीज़ें आती हैं इनमें से आपने एक को अटैप्ट करना होता है या डायलॉग लिखना होता है या सीवी लिखना होता है तो आज हम इस सिलसिले में सीवी जो है उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या होती है और उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरह हम एक कैशियर की जो जॉब है उसके लिए अगर अप्लाई करें तो हम सी किस तरह बना सकते हैं पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि सी इस तरह की चीज़ है जिसका कोई परमानेंट फॉर्मेट या लेआउट नहीं होता उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसमें लाजमी होनी चाहिए अब उसको किस स्टाइल में आप लिखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है आप उसे कितना कैची बनाते हैं अट्रैक्टिव बनाते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये वेरी करता है बंदे से बंदे के ऊपर अगर आप सीवीज़ देखें किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके तो आपको नज़र आएगा कि जो भी लोग वहाँ सीवीज़ भेजते हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे से मुख्तफ होती हैं और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं उनके जो फॉर्मेट्स या होते हैं या लेआउट्स होते हैं वो बहुत मुख्तलि होते हैं एक दूसरे से हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाजमी उसमें मौजूद होती हैं लेकिन ये उन चीज़ों की मौजूदगी की बात है ये उसके जो फॉर्मेट है जिस स्टाइल में वह बनी हुई है उसकी बात नहीं है स्टाइल कोई भी हो सकता है हम क्योंकि एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज इसको कर रहे हैं तो हम उसमें यह देखेंगे कि हम इफ़ेक्टिवली अपने एग्ज़ाम में किस तरह उसको लिख सकते हैं ताकि हम अपने मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमाइज़ करें उसमें आए शुरू करते हैं पहले हम देखते हैं कि सी होती क्या है बुनियादी तौर पे दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम इस एक तकरीबन एक मिलते जुलते मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं एक को सी कहते हैं और एक को रेज़मे कहते हैं जो जिसको आप रिज्यूम की तरह भी लिखते हैं लेकिन उसको कहते हैं रेज़मे हैं अब ये दोनों चीज़ें मुख्तलफ़ हैं एक दूसरे से लेकिन इसके बावजूद अगर हम इस वक्त की बात करें जो कंटेप्ररी टाइम है तो हम ये देखते हैं कि ये कोई इंटरमिंगल्ड हैं फ्यूज़्ड हैं कोई ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं लिया जाता कई जगहों पे इनकी डिफरेंट इन तरीके से इनको बयान किया गया है लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो ज़्यादा डोमिनेंट इनकी डेफिनेशंस हैं या डोमिनेंट वे में जिन लोगों ने इनको बताया हुआ है या ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये चीज जिस अंदाज़ में ये बयान की गई हैं उसको आपके सामने हाजिर करूं लेकिन ये कई जगहों पे आप देख देख सकते हैं कि ये तब्दील भी हो सकता है इनका जो जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं या कुछ हैं आए हम देखते हैं सीवी जो है वो बेसिकली एक वर्ड है करी कलम विटाए करी कलम विटाए जो है उसमें ये जो लास्ट ए ये है विटाई का ये अगर हम जोड़ के लिख दें ए और ई जोड़ने से मुराद ये कि ए का जो आखिरी हिस्सा है उसके साथ ही हम अगर उसको ई बना दें तो भी ये इस तरह भी लिखा जाता है करी कलम विटाए एक लातीनी जुबान का वर्ड है लैटिन लैटिन लैंग्वेज में करिकुलम बिटाए असल में बोला जाता है और उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो सीवी है अब इसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ कोर्स ऑफ लाइफ से मुराद ये है कि जो आपकी जिंदगी उस वक्त तक गुजरी है उसमें जो जो आपने पढ़ा है जो आपने किया है जो आपकी स्किल्स हैं जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है जो आपके अवार्ड्स हैं अचीवमेंट्स हैं फीट्स हैं और जो आपकी पब्लिकेशन्स हैं जो कुछ भी आप समझते हैं कि आपकी मेहनत से आपने हासिल किया और वो ऑनरेबल है और वो मैटर करता है बताना वो आप उसमें बता सकते हैं अगर हम देखें तो ये इन डेप्थ डॉक्यूमेंट होता है इन डेप्थ डॉक्यूमेंट यानी कि ये डीप होता है ये हर तकरीबन चीज़ का अहाता करता है आपकी ज़िंदगी में एजुकेशन इसमें आप अपनी बताते हैं प्रोफेशनल करियर जो है उसके बारे में आप बताते हैं कि कहाँ शुरू किया कहाँ कितना ऐसा काम किया क्या काम किया उसके बाद पब्लिकेशंस कि आपने अगर कोई पब्लिकेशंस किए हैं तो वो आपकी पब्लिकेशंस क्या हैं उसके बाद आप अवार्ड्स अगर आपने कोई जीते हैं कोई लॉरल्स हैं कोई गोल्ड मेडल्स हैं कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि ये मुझे यूनिक बना सकती है दूसरे दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सी भेजी है उनसे मुझे यूनिक कर सकती है थोड़ा बेहतर कर सकती है तो वो आप उसमें मेंशन करते हैं अब अगर हम रेजमे की बात करें तो रेजमे जो है फ्रांसीसी जुबान का वर्ड यानी फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड और इसका मतलब है टू सम अप यानी समरी अब आप दोनों में देखें एक इन डेप्थ एनालिसिस है एक समरी है और ब्रीफ ओवरव्यू जो होता है ब्रीफ ओवरव्यू ब्रीफ होता है मुख्तसर स्किल्स इसमें आप अपनी बयान करते हैं कि आप कितने स्किलफुल हैं कौन कौन सी स्किल्स आपको पता है उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आप अपना बयान करते हैं और आप अपनी एजुकेशन जो है उसकी उसको बयान करते हैं और ये बुनियादी तौर पे टेलर्ड होती है टेलर्ड टू ईच पोजिशन टेलर्ड का मुराद यह होती है मुराद यह कि आप फर्ज करें आप कपड़े सिलवाने जा रहे हैं तीन बंदे अब तीन बंदों के पास एक ही कपड़ा है उन्होंने इकट्ठे खरीदा और वो जब जाएंगे टेलर के पास दर्जी के पास तो वो तीनों के नाप के सीएगा एक जैसे नहीं सी देगा तो ये भी इसी तरह टेलर्ड होती है किस लिहाज से कि जिस पोजीशन पे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन के के मुताल उससे जो कंसर्नड आपकी स्किल्स हैं एजुकेशन है क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है, है वो आप इसमें मैंशन करते हैं यानी सारा आप इसमें मैंशन नहीं करते और ये जो रेजमे होती होती है ये बुनियादी तौर पर एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन होती है आपकी जिंदगी की आप इसे वन टू पेजर होती है मोस्टली और जो सी है वो भी आजकल वन या टू पेजर ही होती है लेकिन आप इसको ज्यादा लंबा भी लिख सकते हैं लेकिन रेजमे में ये आप नहीं कर सकते आप दोनों में फर्क किस चीज़ का है डिफरेंस इन लेंथ ले आउट एंड पर्पज ये तीन इनमें मेजर डिफरेंसेस तो ये आपके सामने सी और ये आपके सामने रेजमे के बारे में कुछ लिखा हुआ है ये आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आप को पहले पता हो कि आप जो काम करने जा रहे हैं जो लिखने जा रहे हैं जो पढ़ने जा रहे हैं और जो समझने जा रहे हैं वो वो उसकी जो कन्फाइनमेंट्स हैं वो क्या है लेट्स गो टू द अदर साइड ऑफ बोर्ड जहां पे हम एक तो सीवी देखेंगे उसका लेआउट और उसके साथ साथ हम एक कैशियर की जो जॉब के लिए अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट मिले फर्ज करें कि आप अखबार में कोई एडवर्ट देखें और वहाँ पे आप ये देखें कि कैशियर की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर पूरा उतरते हैं या आपकी एजुकेशन उस फील्ड में आए तो आप किस क्या लिखेंगे और किस तरह अप्लाई करेंगे लेट्स गो टू दी अदर साइड ऑफ द बोर्ड यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने आधा हिस्सा सीवी का तकरीबन नज़र आ रहा है क्योंकि बाकी जो आधा है वो बोर्ड की दूसरी तरफ है तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप इसको नोट कर लें साथ साथ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीजें आपने मेंशन करनी है इस पे शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि आपका जो इमेज है यानी आपकी जो पिक्चर है वो भी सीवी पे होती है आजकल तकरीबन हर सीवी पे होती है लेकिन क्योंकि आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में तो वहां पर कई स्टूडेंट्स तो ड्रॉ कर देते हैं स्केच साइक तो वो कोई लाजमी नहीं है क्योंकि अब जाहिर है आप वहाँ पे प्रिंट आउट लेके तो वो तो नहीं लगा सकते ना ही अपनी पिक्चर साथ लगा सकते हैं कि आप वहाँ पे लगा दें क्योंकि वो इलीगल है क्योंकि वो फिर आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे अगर आप अपनी पिक्चर वहाँ पे लगाएंगे इसलिए अगर आप अपना तस, तस्वीर की जगह को स्केच बना देते हैं तो वो भी ठीक है और नहीं बनाते तो वो भी ठीक है अब हम चलते हैं जो इसके पार्ट्स हैं जो आपने लाजमी लिखने सबसे पहला हिस्सा है पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो होगी अब यहाँ पे पहली चीज़ ये समझ लेनी है कि आपकी इंफॉर्मेशन से ये मुराद नहीं है कि आप अपना नाम लिख देंगे अपने फादर का नाम लिख देंगे अपना फ़ोन नंबर एड्रेस सारा नहीं आपने कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं लिखनी अपने एग्जाम में आपने अपना नाम नहीं लिखना आपने अपने फादर का नाम नहीं लिखना आपने अपना एड्रेस नहीं देना मेलिंग एड्रेस आपने अपना सेल फोन नंबर नहीं देना ये जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इलीगल है क्राइम है और इसलिए आपने क्या लिखना है वो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कैशियर की सी जो है वो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की हुई है तो इसको हम देखते हैं और लेकिन ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है ये सिर्फ कैशियर की सी नहीं हर सी वी आपने एग्जाम में इसी तरह लिखना है पहले नेम है अब क्योंकि हम अपना नाम तो नहीं लिख सकते इसलिए हम ए बी सी लिख देंगे अब दूसरा फादर नेम है फादर नेम की जगह हम एक्स वाई जी लिख देंगे क्योंकि हम जो हैं वो अपना नाम और अपने वालिद का नाम नहीं लिख सकते हम वहां पे ए बी सी अपने नाम की जगह और एक्स वाई जी फादर के नाम की जगह लिखेंगे फिर एड्रेस आ गया एड्रेस में भी वी कैन वी कैन नॉट मैंशन आर ओन एड्रेस आर एक्चुअल एड्रेस तो हम वहां पे एक फर्जी एड्रेस जो है वो लिख देंगे जैसे मसल ए ब्लॉक एच सिटी कंट्री बजाय शहर का नाम लिखने के मैंने सिटी लिख दिया और मुल्क का नाम लिखने के मैंने कंट्री लिख दिया और पहले मैंने सिक्स एच और ब्लॉक एच लिख दिया ताकि वो एक एड्रेस की जितनी लवाजमात हैं कि एक जो एड्रेस होता है उसमें जो जो उसका हिस्सा होता है जो जो उसका कॉम्पोनेंट होता है जो जो उसका पार्ट होता है वह सारा मौजूद है लेकिन पढ़ने वाले को यह भी पता चल गया है कि ये औरिजिनल नहीं है और यह भी पता चल गया है कि ये मुकमल एड्रेस है और दस कैंडिडेट

डबल टू डबल जीरो अब ये नंबर मुकम्मल है सेवन फिगर्स हैं और पीछे तीन फिगर्स हैं यानी कि ये सेल नंबर है ये नज़र आ रहा है कि जो जित जो उसके फिगर्स हैं जो उसके नमेरिक्स हैं वो मुकम्मल हैं लेकिन वो ओरिजिनल नंबर नहीं है ये भी नज़र आ रहा है फिर हम देखते हैं ईमेल एड्रेस आजकल क्योंकि मॉडर्न टाइम्स हैं तो ईमेल एड्रेस लाजमी होता है हर बंदे का तो वो भी आपने उसी तरह करना है मसलन मैंने देखे ए बी सी एट पी जी सी डॉट ई डी यू डॉट पी के लिखा है बजाय इसके कि मैं ये लिखूं कि अपना जो ईमेल एड्रेस है वो पूरा वहां पे लिखूं नहीं मैंने ईमेल एड्रेस लिखा है लेकिन एक फेक ईमेल एड्रेस लिखा है ताकि कोई मुझ तक पहुंच ना सके अब जो ये पहला पार्ट है हर सीवी का जो भी सीवी आप लिखेंगे द वेरी फर्स्ट पार्ट आपका ये होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन और ये उसमें चीजें होंगी नेम फादर नेम एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस ये बिल्कुल इसी तरतीब से आपने लाजमन लिखना है अब दूसरा ऐसा है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बेसिकली समरी होती है ऑब्जेक्टिव बेसिकली यहां पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो एक उसमें दो तीन चीजें शामिल होती हैं नंबर एक आपने अपनी विश जो है वो शो करनी है वो बतानी है कि आप करना क्या चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि सीकिंग अ कैशियस पोजिशन क्योंकि हाईली फॉर्मल है तो हम इसमें डायरेक्टली लिखते हैं बहुत ज्यादा उसको लंबा चौड़ा करके तमहीद नहीं बांधते सीकिंग अ कैशियस पोजिशन एट द मोस्ट फर्निश्ड ए बी सी ऑर्गेनाइजेशन या एट यो हाईली रिप्यूटेबल या हाईली रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस अब वो मैंने विश किया अब मैंने इसको एक साथ मिक्स कर दिया टू एनहांस माई स्किल्स कौन सी स्किल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कैलकुलेशन अब आप अगर देखें तो ये मैंने ये बता भी दिया है कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं और ये भी बता दिया है कि मैं इनको एनहांस करना चाहता हूँ क्योंकि क्यों, और ये एनहांसमेंट जो है ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश है उससे ये मुझे बहुत तेज़ी से मैं ये अपनी स्किल्स को एनहांस करूंगा लेकिन साथ ये भी बता दिया कि ये स्किल्स मुझ में ऑलरेडी मौजूद हैं तो दूसरा पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव या समरी आप उसे कह सकते हैं वो होगी तीसरा पार्ट है एजुकेशन एजुकेशन में आपने तीन उसके हिस्से हैं जो आपको बिल्कुल क्लियरली आपने उनको एक दूसरे से अलहदा करना है और एजुकेशन लिखते हुए आपने ऐसे लिखना है कि आप ये देखें जो लेटेस्ट डिग्री है जो सबसे आखिर में इस वक्त फर्ज करो 2020 है तो इसके नज़दीक तरीन जो मैंने हासिल की है फर्ज़ करो मैंने एम किया है कैशियर के लिए एम की डिग्री चाहिए होता है तो मैंने पहले लिखी जो अब मैंने हासिल की ये नहीं करना कि आप पहले अपनी मेट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट से शुरू करें और फिर आखिर में जाके यहाँ अपनी लास्ट डिग्री नहीं आपका जो जिस बंदे को आपने सीवी भेजी है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसको ये पता है मेट्रिकुलेशन हर किसी ने की हुई है इंटरमीडिएट हर किसी ने की हुई है वो ये देखना चाहता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में तो वो जैसे ही खोलेगा उसको पहले साथ वो नजर आएगी तो वो उसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो पहले फर्ज करें एम कॉम ये ट्वेंटी ट्वेंटी में एम कॉम की है उसके बाद पी यू यानी कि द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब क्योंकि आप मुकम्मल भी लिख सकते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या कोई भी यूनिवर्सिटी अवॉर्डिंग बॉडी जो है ट्वेंटी एटीन बी कॉम ट्वेंटी सिक्सटीन आई कॉम आई कॉम को पे मैंने चेंज किया क्योंकि वह यूनिवर्सिटी उसकी अवॉर्डिंग बॉडी नहीं होती बल्कि उसकी जो अवॉर्डिंग बॉडी है वो बोर्ड हैं पाकिस्तान में इंटरमीडियट के जो बोर्ड्स हैं तो वो फेडरल बोर्ड एफ बी आई एस सी वो आप उसको लिख सकते हैं अब तीन यानी के सर्टिफिकेट डिग्री और अवॉर्डिंग बॉडी इसमें ये जो आई कॉम है ये सर्टिफिकेट है बी कॉम और एम कॉम डिग्री तो इसलिए ये दोनों और इसमें ये है आपको जो बोर्ड पे भी नजर आ रहा है आपको एक क्लैरिटी नजर आ रही होगी कि देखने वाला बंदा बड़े आराम से समझ रहा है कि इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है और वो भी एक तरतीब से लिखा हुआ है तो ये चीज सीवी में आपने बहुत ज्यादा इस चीज का ख्याल रखना है कि जब जब आप सीवी लिखें तो वो क्लियर हो हर जो सेगमेंट है उसका हर जो सेक्शन है वो अलहदा अपनी अपनी चीज को बड़ी ही क्लैरिटी से बयान कर रहा हो ये ना हो कि आपने मिक्स किया हो वो ढूंढना शुरू कर दे जी कि आप इसने देखा जी एम कॉम तो किया है अब इससे पहले क्या किया है कब किया है नहीं ये सीधा एक अच्छे पैटर्न के साथ आप इसको लिखेंगे अब हम चलते हैं बोर्ड की अगली साइड पे जहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी वी ऑफ अ कैशियर और साथ में सी का लेआउट भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मौजूद है आए देखते हैं अब हम देखते हैं कि यहां पे हमारे पास जो क्वालिफिकेशन के बाद है वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो होती है बच्चों वो बुनियादी तौर पे ऐसी सर्टिफिकेशन होती है कि जो तीन महीने दो हफ्ते दो महीने डेढ़ महीने ऐसे कई हम सर्टिफिकेट करते हैं या कोई ऐसे एक्स्ट्रा हम डिप्लोमास करते हैं मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसी तरह हम लिख सकते हैं सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग जो कि बुनियादी तौर पर ना वो इंटरमीडिएट है ना वो आपकी ग्रेजुएशन है लेकिन वो आपका एक साथ में स्किल्स का कोर्स है चाहे वो सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो तो आप इस तरह के उसमें मेंशन कर सकते हैं एक से ज़्यादा ये क्योंकि मैंने एक एज अ सैम सैम्पल बनाया इसलिए एक मैंने लिखा हुआ है आपने अगर मुताल आप ज़्यादा लिख सकते हैं तो आप ज़्यादा भी उसमें मेंशन कर सकते हैं और इसमें आप डेट भी ऐड कर सकते हैं यानी कि जब यह आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जब यह आपको मिला उस डेट को भी आप मैंशन कर सकते हैं फिर हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो है हमारा वो दोबारा आपने क्या करना है वो दोबारा आपने क्वालिफिकेशन के स्टाइल में लिखना है यहाँ आपने क्वालिफिकेशन का स्टाइल जो है वो उसको बिल्कुल कॉपी करना है और आपने आखिरी से लेके पहले तक जाना है और साल लिखना है और उसके बाद आपने वो अपनी जो डेजिग्नेशन है वो लिखनी है और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने असिस्टेंट कैशियर फ़र्ज़ करो कैशियर के लिए क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो असिस्टेंट कैशियर का मैंने काम किया 2018 से 2020 तक और कहाँ पे किया है ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी ए बी सी तो ये वही पैटर्न है आपके एक से ज़्यादा अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है या कोई और एक्सपीरियंस किया है तो आप उसको यहाँ पर इस तरह मैंशन कर सकते हैं अगर दो हैं तो फिर आप आगे नीचे दूसरा फिर नीचे इसी तरह तीसरा लेकिन वो आपने जिस तरह क्वालिफिकेशन में पहली जहाँ दूसरी जहाँ तीसरी इस तरह आपने और ये टू थाउजेंड एटीन टू ट्वेंटी है तो इसका मतलब है इससे पहले जो है वो एटीन से पहले वाली आनी चाहिए फिर नीचे उससे भी पहले वाली आनी चाहिए तो ये आपने लाजमी जहन में रखना फिर हम देखते हैं स्किल्स स्किल्स असल में तो दो किस्म की होती हैं जो हम सी वी में ज़्यादातर ज़रूरत होती है एक लिंग्विस्टिक स्किल्स होती हैं और एक आपकी मैनेजमेंट या कंप्यूटर स्किल्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं तो इनको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया एक को मैंने सिर्फ स्किल्स में रखा है और एक को मैंने लैंग्वेज पर लेके आया अब स्किल्स मसल एम एस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है आना क्योंकि कैशियर के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और इस तरह के प्रोग्राम्स आने चाहिए और भी कोई इससे मुतल प्रोग्राम है तो वो भी आपको आना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स हैं फ़र्ज करो आप ये लिख सकते हैं कस्टमर रिलेशंस ये स्किल्स हैं आपकी ये आप मेंशन कर सकते हैं अब अगर लैंग्वेज के हिस्सा जलदा किया है उसमें जाएं तो इसमें मैंने लिखा है एक्सपर्ट इन उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी अब ये एक तरीका है मेंशन करने का ये बिल्कुल ठीक है दूसरा तरीका मेंशन करने का ये है कि आप एक खाने में लैंग्वेज ऊपर हेडिंग दें लैंग्वेज उससे थोड़े से फासले पे स्पोकन और फिर रिटर्न ये करके तो आप उसको या तो फिर सही गलत का निशान कर दें क्रॉस टिक लगा दें या फिर आप उसके आउट ऑफ टेन मार्क्स अपने आप को दे दें फर्ज करो उर्दू है टेन आउट ऑफ टेन स्पोकन टेन आउट ऑफ टेन रिटन इंग्लिश है फाइव आउट ऑफ टेन या टू आउट ऑफ टेन या टेन आउट ऑफ टेन जो भी आप एक वो तरीका है एक ये तरीका है दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ फिर इंटरेस्ट हैं कि आपकी दिलचस्पियाँ क्या है जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो सी है

सिचुएशन है तो इसमें आपने यही लिखना है बजाय इसके कि आप दो बंदों के नाम लिखें उनका एड्रेस लिखें डेजिग्नेशन लिखें उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखें उनके ई मेल्स लिखें उसकी बजाय आप ये लिख देंगे विल बी फर्निश्ड ऑन रिक्वेस्ट या आप रिक्वेस्ट ताकि आपका जो वो हिस्सा है उस टी वी का वो भी मुकम्मल तौर पर वहाँ पर सामने आ जाए अब ये एक पैटर्न है जो मैंने एग्ज़ाम के लिए ये समझा कि ये आसान तरीन हो सकता है और मैंने आपसे डिस्कस किया मैं दोबारा आपको ये बात बता रहा हूँ कि सीवी जो है उसका कोई मखसूस फॉर्मेट नहीं है ये जो मैंने चीज इनग्री जो जो मैंने आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एजुकेशन ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इंटरेस्ट वगैरह ये लाजमी इसे हैं इन में से कोई रहना नहीं चाहिए आपकी सी वी में अदरवाइज पब्लिकेशनस भी आ सकती है अवार्ड्स भी अगर आपने कोई अवार्ड जीते हैं आपने कोई Uh, इस तरह कोई uh, जिसको हम मेडल्स कहते हैं या कोई आपने पोजिशन लिए हैं डिस्टिंगशन लिए हैं तो वो भी आप अपने अवार्ड्स लिख सकते हैं लेकिन इन चीज़ों से कम नहीं इनसे ज़्यादा हो सकता है पर एग्जाम सिचुएशन में आपको आप अगर इतना ही सही तरीके से लिख लें तो तो भी आप अपने अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सीवी के साथ अगर हम ओरिजिनल सीवी भेजते हैं जब तो हम साथ एक कवर लेटर भेजते हैं वो कवर लेटर आपकी बुक में मौजूद है लेकिन मसला यह है कि आपका जो एग्जाम है उसका जो वक्त आपको दिया जाता है वो इस चीज के लिए बहुत बड़ी हर्डल है कि आप सात सीवी के कवर लेटर भी लिखें एक दूसरा ये कि आपका एक लेटर उससे अलहदा भी मौजूद होता है जो आपने एग्जाम में करना होता है अब आपको इसलिए उन्होंने एग्जाम कर दिया है बोर्ड ने कि आप कवर लेटर ना लिखें सी के साथ क्योंकि आपका लेटर या एप्लीकेशन का अलहदा एक सवाल आता है तो आप यहाँ पे जो लेटर है कवर लेटर जिसे हम कहते हैं सी का उसको आप उमिट कर दें आप उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका फिर टाइम पूरा नहीं होगा इसलिए आपने सी के क्वेश्चन में अगर आप डायलॉग की जगह सी को आप्ट कर रहे हैं तो आपने सी ही लिखनी है कवर लेटर उसके साथ नहीं लिखना वरना आपका टाइम पूरा नहीं होगा इस वक्त तक जो है बोर्ड की यही हैं उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी क्योंकि ये नया बिल्कुल टॉपिक है एक नई चीज़ है लेकिन इसका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा है आपकी फ्यूचर के साथ जब आप रियल लाइफ में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखेंगे तो आपको बहुत सारी सीवीज़ देनी पड़ेंगी जॉब्स के लिए एडवर्टीज़मेंट्स देखने पड़ेंगे बहुत कुछ करना पड़ेगा इस सिलसिले में तो आपको उस वक्त ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी इस वक्त क्योंकि ये नया एक टॉपिक है आपके लिए तो जाहिर है आपको थोड़ा सा इसको समझने में मुश्किल होगी लेकिन आप अगर इस लेक्चर को तीन चार दफ़ा देखेंगे और फिर ये वाले जो इसके पार्ट्स हैं सीवी के इनके लिखेंगे दो तीन दफ़ा और अपनी मर्जी से इनको चेंज करेंगे जो बेहतर समझेंगे इनके अंदर वो लिखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी लेकिन एग्ज़ाम के लिए जिस जॉब के लिए सी आती है आपने उसी जॉब के मुतल अपना अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस वो लिखनी है ये बहुत ज़रूरी है एक्सपीरियंस और एजुकेशन और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो उस जॉब से मुतलक हो ये ना हो कि आप फर्ज करो कि एक मैथमेटिक्स के टीचर की जॉब है और आप वहाँ पर उर्दू की जो क्वालिफिकेशन है वो ले कर अप्लाई करें तो यू यू वॉन्ट बी एंटरटेन क्योंकि वो आपकी जो एजुकेशन है क्वालिफिकेशन है वो इन लाइन नहीं होगी आपके जो रिक्वायर्ड जॉब है इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़